आई एम देवजानी पहले इंट्रो देख लो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं मेरे चैनल पे और मैं हूं देवजानी इससे पहले कि आप लोगों के साथ मेरा जान पहचान थोड़ा और बढ़े मैं आपके साथ एक चीज़ जो है शेयर करना चाहती हूँ मैं नागिन नहीं हूँ मैं नागिन नहीं हूँ इससे पहले भी मेरा एक YouTube चैनल था आ, मतलब अभी भी है जिसका नाम है देवजानी लॉकडाउन स्टोरीज तो वो चैनल जो था वो उस चैनल पर मैं खाना मतलब खाने का रेसिपी अपलोड किया करती थी तो वो चैनल क्या हुआ कि गलती से मेरे फोन से वो चैनल का जीमेल आईडी रिमूव हो गया और, और और क्या लग गई चैनल को नजर और साथ में मुझे भी <laughs> बर्बाद पैसा बर्बाद बहुत बहुत पैसा खर्च you know what I mean. तो इसलिए मुझे इतना मतलब कि इतना दुख हुआ इतना दुख हुआ कि मैंने मतलब इतना दुख हुआ मुझे कि <laughs> मैंने क्या किया कि सेकंड चैनल खोल लिया इस चैनल पर मैं क्या करूंगी क्यों आई हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता <laughs> तो दोस्तों आज है सोमवार और सोमवार के दिन मेरा पूरे दिन का जो खाना है फलाहार होता है क्योंकि सोमवार सोमवार को मेरा शिव जी के लिए व्रत रहता है तो मुझे अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है तो मैं खाना खा लूँगी और उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी तो मैंने यहाँ पर भिगोया हुआ साबु और छोले के साथ एक केला ले लिया है और इसमें अभी थोड़ा सा चीनी डाल दूंगी और इसके बाद थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी इसके बदले में दूध भी लिया जा सकता है लेकिन मैंने पानी ले लिया है तो यहाँ हमारा खाना रेडी हो गया है तो इसे मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँगी और फिर बात करते हैं आपके साथ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये है मेरा पहले वाला चैनल देव लॉकडाउन स्टोरीज़ ये चैनल सिर्फ खाने का ही था इसमें मतलब खाने का जो रेसिपी होता है वो मैं अपलोड करती थी आप देख सकते हैं और ये चैनल जो है मेरे फ़ोन से रिमूव हो गया है एक बार इसका वीडियोस मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए और फिर दोस्तों जो भी है ये चैनल मेरे फोन से रिमूव हो चुका है पता नहीं ये चैनल का फ्यूचर क्या होगा अभी मैं इसमें एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अभी जो है मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है बहुत <laughs> ये इतना शांत है कभी कभी इसमें जंगी आ जाता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कभी कभी मुझे खुद भी डर लगता है क्या <णण गाँगर> था ये? और यहाँ पर दोस्तों एक मिनट ये जो मेरा क्लिप है इसे मैं हटा दूँ। और यहाँ पर ये जो दाग आप देख रहे हैं वाल पे ये जो स्पॉट है ये कोई रंग नहीं है यहाँ पर ये जो मिक्सी बगल में रखा हुआ है मिक्सी था और मिक्सी में मैं अदरक पेस्ट कर रही थी तो वो अदरक उछल के बाहर निकल गया तो इसलिए थोड़ा सा कलर हो गया होप यू लाइक जो सपॉट दोस्तों फूल किसे नहीं अच्छे लगते हैं ये जो फूल आप देख रहे हैं मेरी माँ बाजार से लाए हैं और ये जो रोज़ेस आप देख रहे हैं ये रोज़ तो सभी को बहुत अच्छा लगता है लेकिन आ, इंटरनेट पे मैंने एक हैक देखा था रोज़ के जो डंडे होते हैं गुलाब के डंडों से डंडों को अच्छे से छील कर उससे हम गुलाब का जो है पौधा उगा सकते हैं तो वो हैक जो है मैंने इंटरनेट पर देखा था और मैंने वैसा ही किया है यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी गुलाब का जो डंडा है मैंने उसे अच्छे से काट लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये जार के अंदर एक ग्लास के जार के अंदर एक आलू में मैंने गुलाब की दो डंडियाँ पहले हनी में भिगोकर फिर आलू में मैंने ऐसे रख दिया है और इस पर जार को मैंने ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है आज तो मुझे टाइम नहीं मिला लेकिन कल कल मैं इसे फ्लावर पॉट में डाल दूंगी और फिर आगे क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों अभी रात के खाने के लिए मैंने यहाँ वही भिगोया हुआ छोला और थोड़ा सा आलू काट लिया है और इसे अभी थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ में बॉईल करेंगे तो इसे हम बनाएंगे दे रेसिपीज हो गया हो गया सब कुछ बॉयल हो गया एक मिनट दोस्तों मुझे लगता है कि आधी आने वाली है इनफैक्ट मुझे लगता है आधी आ चुकी है तो फिर एक मिनट हम रुक जाएंगे थोड़ा सा आधी के चले जाने के बाद दिखाते हैं आपको अच्छे से ये देखिए वाह बहुत बढ़िया दोस्तों क्या है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे छोले और आलू का ये जो बॉयल किया हुआ पानी है इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे तो रख लेते हैं इसे तो दोस्तों छोले और आलू का चटकदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर तेल गरम कर लिया है कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसमें सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको चला लेंगे और दोस्तों इसके तुरंत बाद ही बॉईल किया हुआ छोला और आलू इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हल्के से चला लेंगे इसको एक मिनट थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में दिखा देते हैं इससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा देखिए दोस्तों कुकिंग का वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको अगर आप स्लो मोशन में कुकिंग नहीं करेंगे तो मैं जैसा बना रही हूँ ना बिल्कुल वैसा टेस्ट आपको नहीं आएगा और फिर आप लोग बाद में मुझे मत कहना कि टेस्ट नहीं आया है टेस्ट नहीं आया है समझ रहे हैं ना चलिए इसके बाद में दिखाते हैं इसके आगे क्या करना है तो दोस्तों इसके बाद हम डालेंगे नमक थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद दोस्तों काली मिर्च धनिया और जीरा थोड़ा थोड़ा लेकर उसको सोटी कर कर उसका एक पाउडर बना लेंगे अभी दोस्तों जो पाउडर हमने बनाया है उसे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे अभी थोड़ा सा इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे बस अभी कुछ नहीं करना है गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे तो दोस्तों ये डिश हमारा रेडी हो चुका है दो बातें हैं जो आपको माननी है एक तो ये कि स्लो मोशन में पकाएं और दूसरा ये कि डिश बन जाने के बाद सूखी लाल मिर्च को ऊपर रख दें तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पहली रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है और इसके बाद हमने दूसरी बनानी है तो इसके लिए मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा टोमेटो और जीरा डाल दिया है इसे थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे इस तरीके से ओके जो हमने छोला पहले वाला बना कर रखा हुआ था उसमें से बस थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे मतलब बस थोड़ा सा इसके बाद दोस्तों जो छोले और आलू वाला पानी हमने रखा हुआ था उसे हमने डाल देना है इसमें और इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे दो मिनट तक इसको ढककर पकाने के बाद दोस्तों इसमें हमने डाल देना है नमक थोड़ा सा और इसके बाद जो पाउडर हमने रखा हुआ था वो पाउडर थोड़ा सा इसमें डाल देंगे थोड़ा नींबू भी निचोड़ लेंगे और सबसे ज़रूरी बात इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में हम देखेंगे और बस अभी कुछ नहीं करना है अभी गैस बंद कर कर इसको सर्व कर देंगे अभी दोस्तों इसको जल्दी से हमने सर्व कर लिया है और जो मसाला हमने पेस्ट किया था मतलब कि पाउडर किया था उसे एकदम निचोड़ कर इसमें ही डाल देंगे सब तो दोस्तों हमारा खाना जो है पूरा रेडी हो चुका है ये पहले वाला जो डिश हमने बनाया था उसके बाद छोले और आलू का ये जो सूप है वाह 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 क्या कलर आया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स काट लिया है और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है और मैं इन्हें खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इसे आप कैसे खा सकते हैं एक मिनट थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं इस तरीके से आपको फ्रूट खाना है इसके बाद दोस्तों जो छोले वाला सूखी लाल मिर्च था उसे ऐसे पकड़कर ऐसे खींचना है अभी दोस्तों यही वाला पार्ट हम स्लो मोशन में देखेंगे वाह देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैंने वो मिर्ची खाई है तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं मिलेंगे अगली वीडियो पे तब तक के लिए अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं कि ये जो रेसिपी दो रेसिपी मैंने दिखाई है छोले वाली वो आपको कैसी लगी और ये रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट पे आकर बताएं कि कैसा बना था और वीडियो को जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पता नहीं ये जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आ जाता है मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो क्या है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो एकदम से अंदर से आवाज आती है कि और भी मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर सॉरी तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए